ग्रीन फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हमारे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर ने कमाल कर दिया। आज का जो मेरा ट्रेड था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो हमने कल लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि 2116 से ऊपर अगर मैं रिलायंस चलते हुए मिलेगा तो हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे और वहां से ब्रेकआउट जबरदस्त हो सकता है, 2200-2300 तक रिलायंस निकल सकता है, हमारा पूरा अनुमान था। हमारा पहला टारगेट था 2209 का, दूसरा टारगेट था 2256 का, 2209 एंड 2256 का। लेट्स गो टू वीडियो एंड सी हाउ द ट्रेड हैपेंड, कैसे एग्जीक्यूट हुआ, कि वेदर वी गॉट आवर रिजल्ट और नॉट। एंड दिस वॉज अमेजिंग कि कोई स्टॉप लॉस नहीं, कुछ नहीं। दिस इज द पावर ऑफ ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर गाइस। आई एम प्रमोटिंग दिस ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर ओनली टू हेल्प यू। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूं ताकि आपको अपना ट्रेंड समझने में आसानी हो। दोस्तों, जो चार्ट पैटर्न्स आपको ये नहीं बता पाते कि ट्रेंड किधर का है, कैसा है, कैसा नहीं है, तो दोस्तों एक सिंपल सा नंबर, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज अ नंबर गेम, तो दिस नंबर विल टेल यू कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंड इट इज गोइंग टू हैपन। जैसे ही स्टॉक उस ट्रेंड के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट लेवल को क्रॉस करता है तो वो उस पर्टिकुलर ट्रेंड में मूव कर जाता है। फिर आपको निश्चित होकर बैठ जाना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे में। चलिए देखते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं और इस वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कौन से स्टॉक्स पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। दोस्तों, एक और चीज, अब लाइव सेशंस कोशिश कर रहा हूं कि दिन में ड्यूरिंग द मार्केट आस हो, तो आप मार्केट आस में ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। नहीं देख पाते हैं लाइव सेशन में तो बाद में रिकॉर्डेड वर्जन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, उसको देखिए, समझिए। हम उसमें कोशिश करेंगे कि बाजार का हाल कैसा होने वाला है, कोई स्टॉक्स कैसे चलने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स उसमें डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेवल्स निकालते हैं, उसके बाद ही ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे रिलायंस के लिए कैलकुलेटर की क्या टिप्पणी थी। ये 2116 मैंने क्यों डाला दोस्तों, 2116 क्योंकि पिछले तीन दिन के लाइव सेशन आप जाके देखेंगे ना तो बार बार आपको कह रहा था 2116 से ऊपर ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है। 2116 से ऊपर का ब्रेकआउट था 2162, 2209, 2256। चलिए चार्ट पे देखते हैं क्या हुआ। 2116 के आसपास का जो प्राइस था ये था दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ इस प्राइस के आसपास में अगर इसको मार्क कर लें, चलिए थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं इसको आपके लिए, ये मार्क कर लेते हैं। 2116 के आसपास का हमारा ट्रेड था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। ये मैं डेली लाइव सेशन में कह रहा था ये ब्रेकआउट होते ही ये स्टॉक भाग जाएगा, तो पहला टारगेट 2140, 2150 और फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ये हमारा क्लियर कहना था। अब यहाँ से दोस्तों ये जो ब्रेकआउट आया, देखिए बहुत क्लियर ब्रेकआउट आया। कैसे आ गया 2116 से ऊपर का ब्रेकआउट, क्योंकि हम ये कैलकुलेशन यहाँ कर चुके थे दोस्तों। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर जिसमें बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस किया हुआ है, बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन फॉर्मूलाज डाले हुए हैं, बहुत डीप स्टडी, 18 साल की मेहनत जो आपको दे रहा हूँ। और अब तो फ्री ट्रायल चल रहा है, उसको भी बहुत से लोग नहीं ले रहे हैं। फ्री ट्रायल तो लीजिए कम से कम एक हफ्ते का, एंजॉय तो कीजिए, देखिए क्या चीज़ बनाई है आपके लिए। पसंद आए तो बाद में सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आता छोड़ दीजिए, लाइव सेशन में आया कीजिए ताकि आपको ऐसे ट्रेड मिल जाए। कल का लाइव सेशन भी हमने दिन में दोपहर में 2 बजे के आसपास किया था, वहाँ भी हमने कहा था कि 2116 से ऊपर ब्रेकआउट है और 2137 के आसपास चल रहा था, 2 बजे के आसपास का प्राइस था जब 2 बजे हमने लाइव सेशन किया था। अगर इसको देखें तो 2 बजे के आसपास का प्राइस था हमारा, ये देखिए एक्जैक्टली 2:30 बजे के आसपास का प्राइस 2133 था, जो हमने कहा था कि ये स्टॉक निकल चुका है और 2116 से ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है और यहां से 2162 फर्स्ट टारगेट, 2209 सेकंड टारगेट एंड 2256 थर्ड टारगेट होगा। दोस्तों आज क्या रहा, 2343 का हाई लगाया, 2344.40 का हाई लगाया। यहाँ जब 2256 अचीव हुआ तो फिर हमने दोबारा से अपने कैलकुलेटर से पूछा भाई अब लेवल क्या बन रहे हैं, आप क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, तो भाई साहब कैलकुलेटर भाई साहब कहते हैं 2209 का सपोर्ट हो गया, प्रॉफिट को ट्रेल कर लो। तो हमने अपने प्रॉफिट को ट्रेल किया, 2256 से ऊपर 2304, 2352 के टारगेट के लिए इंट्राडे में बैठ गए, स्विंग के लिए बैठ गए। ये स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट से दोस्तों, ये स्विंग ट्रेडिंग यहाँ से भी निकल के आ रही थी हमारी, T9 का जो टारगेट था और यहाँ से T3 का टारगेट स्विंग का यहाँ से भी हमें मिल रहा था, तो हमें ये टारगेट मिलने मिलने थे। सिंगल साइड रिलायंस ने पैसा दिया यार, सिंगल साइड एक लॉट के अंदर में अगर देखोगे तो 2116 से अगर अपने कैलकुलेटर निकालो, मैंने तो निकाल लिया यार, 2354 माइनस 2116 238 पॉइंट्स मैंने रिलायंस के अंदर में, 506 का लॉट है, एक लाख रुपए के आसपास आए हैं, मतलब सोच के देखो 2354 माइनस 2116 238 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाई 500 शेयर्स, 119,000 रुपये एक लॉट में 2116 से। तो यही अगर मान लो एक लॉट आपने 2116 का जो प्राइस था 78-80 रुपये के आसपास की कॉल चल रही थी वो भी की है हाई में, आज 258-259 के आसपास में, 258 पकड़ लेते हैं यार, 258 माइनस 80 रुपीज़ की कॉल, 178 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाई 500 शेयर्स एक लॉट, 89,000 रुपीज़ मिले हैं एक लॉट कॉल में। 2100 की कॉल हमने खरीदी थी और एक लॉट हमने रिलायंस 2116 से ब्रेकआउट किया था, जो लाइव सेशन में चिल्ला चिल्ला के मैं कह रहा था, और इसने हमें 119,000 रुपये के आसपास एक लॉट ने दिए 2 दिन के अंदर अंदर में। दोस्तों ये होती है पावर अच्छे ट्रेंड ट्रेडिंग के पे काम करने की। दोस्तों एक लॉट रिलायंस ने 119,000 रुपये और एक लॉट 2100 की कॉल रिलायंस ने हमें 89,000 के आसपास का प्रॉफिट दिया। ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर
कैलकुलेटर की हेल्प से, हमारी अपनी एनालिसिस की हेल्प से हमें ब्रेकआउट का जब लेवल मिल गया तो ट्रेड आंख बंद करके करना चाहिए यार, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ, यही ट्रेडर की जिंदगी होती है। अगर स्टॉप लॉस नहीं झेल सकते तो ट्रेडिंग करने का कोई हक नहीं बनता हमें। स्टॉप लॉस खा सकती है मार्केट यार, मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, बट मार्केट में स्टॉप लॉस देने का मतलब ये होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि वो स्टॉप लॉस ना कटे। अगर आप ऐसे ब्रेकआउट लेवल पे काम करना चाहते हैं तो दो दिन बचे हैं सिर्फ फ्री ट्रायल, एक हफ्ते का जो ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर का पूरा प्रोसेस टेलीग्राम पे डाल दिया है। आप मेरे नाम से विपुल कौशिक टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप डाला है कि कैसे आप कैलकुलेटर का एक हफ्ते का ट्रायल ले सकते हैं। ये एक हफ्ते का ट्रायल खत्म हो जाएगा दोस्तों, फिर कोई भी फ्री ट्रायल नहीं अवेलेबल होगा, जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर है ये। मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ, लोग बोलेंगे प्रमोशन कर रहा है अपने कैलकुलेटर की, क्यों ना करूँ, क्यों ना करूं, आपके लिए कोई चीज़ मेहनत से बनाई है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, तो आप अगर उसकी हेल्प कर ले सकते हैं, आपके लिए वो कैलकुलेटर हेल्प कर सकता है, क्यों नहीं करूं प्रमोशन। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए, जाइए वीडियो में अभी कमेंट कीजिए, आपको कैलकुलेटर चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो पूरा प्रोसेस उसमें दिया है, टेलीग्राम पर जाके मैसेज कीजिए, आपको चीज़ें मिल जाएंगी, टेलीग्राम पर पूरा मैसेज दिया हुआ है हमने। और हाँ, पसंद आया हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूले, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।